जिनका भी वो अतिक्रमण उन्होंने किया है, उन्होंने नगर परिषद की प्लान की जो स्कूल की जमीन थी उसमें उन्होंने अतिक्रमण किया था। पहले भी उन्होंने एक बार किया था, नगर परिषद में 2-3 साल पहले हटाया था, और अभी भी हमने उनको कहा है कि आज का पट्टे से जो भूखन सिंह के 5 है उस पर हम आपको जल्द ही वहाँ पर बैठेंगे, लेकिन आप आम जन की जन उपयोगी की जो प्लान की जमीन है उस पर बैठे के आप नहीं बैठे। अब ये तो मेरे मोड़ से पूर्व का मामला था, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, कि मैं आपको इस वक्त दिलाता हूँ इसको आने वाले 5 साल में कोरोना नगर परिषद में पूर्व में भी साफ सफाई की जो मेन जो है वो साफ सफाई का है, पूरा एक शहर को साफ, कोरोना में भी हमने शहर को पूरा साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश की है, आगे भी आम दिन से कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलाएं, और हमारी नगर परिषद की जो भी सफाई कर्मचारी है पूरी अधिकारी की टीम है, और मैं स्वयं मॉनिटरिंग करके पूरे शहर को साफ सुथरा रखूंगा, और बारिश का जो मानसून आ रहा है उसको लेकर भी हमने नगर परिषद में एक JCB है, 2 JCB हमने रेंट पर भी ली है, और कुल्ला प्लान से हमने नाड़े को सफाई कराना शुरू किया है, और पूरे शहर के हम नाड़े वगैरह साफ कर रहे हैं जिससे आने वाले कोई महामारी नहीं फैले, और आने वाले बारिश के मानसून में आम जन को कोई प्रकार की दिक्कत पैदा न हो। करने के लिए हमने जहाँ पर भी जो हमारी ज़मीन है उसको हम मार्किंग के लिए अधिकारियों को टिप लगा दिया है, वो आज भी टाउनशिप के अंदर चिन्हित करके आए हैं, और धीरे धीरे हम जहाँ भी नगर परिषद की जमीन पे कोई प्रकार का अतिक्रमण है तो उसे हम हटाएंगे। तो कहूँगा शहर के अंदर जो कोई पुराना अतिक्रमण होगा, ये टाउनशिप जो योजना है बाड़मेर नगर परिषद की दो जो योजना है, एक महावीर नगर और एक टाउनशिप योजना, इनके प्लान कट के ये कॉलोनियाँ बसाई गई है, इसमें जन उपयोगी की सभी प्रकार की सुविधाएं हैं इसमें, इसलिए इन सुविधाओं की जमीन पर अगर कोई बैठता है तो हमारे नज़र में सबसे पहले वो आता है कि ये जन उपयोगी की जो चीज़ है, चाहे डिस्पेंसरी की जगह हो, चाहे सार्वजनिक पार्क हो, चाहे सार्वजनिक स्कूल हो, उसकी जमीन पर इन्होंने कब्जा किया जब नया हमने तो कहा आज स्कूल की जमीन पर जो कब्जा करना गलत है, आपका तो पट्टा दिया है उस भूखन के ऊपर हम आपका जाम जो है वो तो कोई जमीन का कोई विवाद अपने दायर हुआ था नगर परिषद के खिलाफ उस बाड़ में, तो उसको अपने उन्होंने जो वहाँ पे मतलब यहाँ पे जो तत्कालीन आयुक्त थे उन्होंने मुआवजे के तौर पे उन्होंने कोई इसको रेड करके और उन्होंने हाईकोर्ट में हाँ अपन कोई उनके आपस में कोई साठ गाड़ी हाँ करी, तो हमें जब ये चीज़ मालूम पड़ा तो हमने उन तत्कालीन ईओ के लड़के, क्योंकि ईओ पावर नहीं होते हैं, ईओ को केवल 50,000 तक ही पावर होते हैं, उन्होंने बिना बोर्ड में अनुमोदन किए बिना अपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य किया, इसलिए हमने उनके खिलाफ कोर्ट के मामले की पालना करनी पड़ेगी, उसके लिए आयुष को मैंने आयुष सब कहा है, आयुष रीड कर रहे हैं, आयुष अभी नए नए आए हैं और रीड कर रहे हैं, जो भी होगा हम आपको अवगत कराइए नियम अनुसार फाइल कोर्ट इधर आयुक्त साहब ने फर्स्ट स्टेप पे उन्होंने पकड़ा है कि भाई अपने आयुक्त की कुछ में गलती है, तो हमने आयुक्त के खिलाफ दो आयुक्त साहब ने मुकदमा दर्ज करवाया है, ताकि हम उस फाइल को पढ़ रहे हैं 2-3 दिन में हम उस पूरी फाइल से निष्कर्ष निकल जाएंगे कि उसमें क्या क्या कमी हमारी रही है या किसकी पेरवी में कमी रही है क्या रही है, तो हम जो भी चीज़ हमारे सामने आई है ये चीज़ हमारे सामने मेरे कार्यकाल के बाद में जैसे ये हमारे सामने चीज़ आई, मैंने आयुक्त मोदी को कहा कि इसमें यू साहब के साथ गलती है, उसको पावर भी नहीं है, आप कम से कम ईओ के खिलाफ तो अवगत तो कराओ ना, तो उसके खिलाफ अधिकार उसके बारे में पूरी फाइल पढ़ने के बाद में मैं आपको विस्तार से बता पाऊंगा, क्योंकि मैं मेरा बोल्ड बड़े को मेरे कार्यकाल के 6 महीने अनुभव नहीं है, मैंने आयु साहब फाइल आपका तो पढ़ लोगे तो ये आपने बात आई थी ना ईओ के खिलाफ, ये फाइल कब तक आप पूरी रीड करके बता दोगे? नेक्स्ट मंडे तक मैं आपको, नेक्स्ट मंडे तक। तो सर आनंद फानंद में मामला दर्ज करवा दिया? नहीं सर, वो जो फर्स्ट स्टेज के ऊपर जब वहाँ से मैंने कहा ना आयुक्त साहब नहीं आए बाड़मेर के अंदर, और ये मामला जब पेशी आई के मालूम पड़ा कि वकील कर आपकी कार्रवाई पूर्व में तत्कालीन यू के की भी आपने कुछ की नहीं, जब इन्होंने कहा कि साहब मैं तो नया आया हूँ मुझे ध्यान में नहीं है, मैं फाइल पढ़ के फर्स्ट स्टेज पर जो कार्रवाई होगी उसको मैं तुरंत करा के आपको रिपोर्ट कर दूँगा। अब शहर में कहाँ का अतिक्रमण चिन्हित किया गया? शहर में अभी तो हमने टाउनशिप कॉलोनी जो हमारे नगर परिषद की है उसमें हमने अतिक्रमण चिन्हित किया, हमने हम जल्द ही हटाएंगे उसके बारे में जैसे जैसे हम अतिक्रमण कहीं पर भी बता दें।